डीजल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में एसएसबी जवान की डंडन नदी एक कुंड में डूबने से मौत। इंडो नेपाल बॉर्डर पर डीजल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सशस्त्र सीमा बल का एक जवान कुलोही क्षेत्र के बटही डीहा गांव के पास सोमवार को देर रात डंडा नदी ककड़ाहवा घाट के पास कुंड में डूब गया। साथी जवान उसे कुंड से निकाले और इलाज के लिए अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सभी जवान को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। मौके पर पुलिस और एसएसबी के अफसर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में 50-50 लीटर के 6 गैलन में डीजल व 3 साइकिल बरामद हुई है। तस्कर फरार हो गए। एसएसबी जवान की पहचान मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है। वह जम्मू कश्मीर के ग्राम सभा चरवनिया जिला डोडा के रूप में हुई है। सोमवार को एसएसबी जवान मोहम्मद हुसैन अपनी साथी जवानों के साथ बॉर्डर क्षेत्र के पेट्रोलिंग कर रहा था। सोमवार की रात पेट्रोलिंग टीम कुलोही थाना क्षेत्र में गांव बटही डिया के पास इसी डंडा नदी के ककड़ाहवा घाट के पास पहुंची। वहां कुछ डीजल तस्कर दिखे। बताया जा रहा है कि एसएसबी जवान तस्करों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगे। उसी दौरान एसएसबी जवान मोहम्मद हुसैन डंडा नदी के ककड़ाहवा घाट के पास कुंड में गिर गया। मोहम्मद हुसैन को नदी में गिरता देख साथी जवानों ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दिया। किसी तरह रात में कुंड से निकाल इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद हुसैन को मृत घोषित कर दिया। एसएसबी के जवान के कल रात में ड्यूटी के दौरान जोगियाबाड़ी पीओपी के पास एक नदी है, उसमें दुर्घटनावश पैर फिसलने से मृत्यु हो गई है। पौड़ी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उनके घर वालों से यहाँ के अधिकारियों ने संपर्क कर लिया है। वो अपनी सारी कार्रवाई कर रहे हैं और सभी की ओर से दुखद घटना पर हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। सर, इस तरह की बातें आ रही हैं कि डीजल तस्कर थे, उनसे वहाँ पे भीड़ हुई है। अब वो विभाग की जाँच होगी, वो लोग करेंगे कि क्या है। मौके पे सर डीजल पेट्रोल के गैलन में मौका मैंने नहीं देखा है, क्योंकि एक एक्सीडेंट की घटना है, तो वो उनका विभाग के लोग अपने आप एक इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, यहीं पे इसमें पीओपी जो है जोगियाबाड़ी वहीं पे। आप देख रहे हैं TVS News।